पी बटालियन और आयुष हेल्थ डिपार्टमेंट रजौरी की कोऑर्डिनेशन से एक बॉर्डर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी जो आयुष मेडिसिन है, पहले भी आपने किसी ने ये मेडिसिन इस्तेमाल की है? नहीं की है शायद? आपने की हुई है। तो ये जो सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि ये जो हमारा जो आयुष सेंटर है ककोड़ा में, सारी मेडिसिन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब मैं इसके थोड़े से आपको फायदे ये बता दूंगा कि जैसे ये आयुष कुमांत है, ये एक कार्ड है। जैसे कोविड एक बीमारी चली थी आज से एक साल पहले, तो उसमें ये बड़ी कारगर साबित हुई थी। तो ये हमारे सभी सेंटरों पर दस्तियाब है, और जिसको भी कोई खांसी हो, नजला हो, जुकाम हो, बुखार हो, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा मतलब फायदेमंद है। उसके बाद ये एक चमद प्राश आता है। चमद प्राश ये एक मतलब हमें अम्यूनो बूस्टर है, हमें ये हमारे जिस्म में अंदर ये हमें ताकत देता है। तो इसका इस्तेमाल हम बुजुर्गों को भी करवा सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं इसमें। तो उसके बाद एक हमारे पास ये आई थी आयुष 64। ये टेबलेट भी कोविड 19 के दौरान ही बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई थी। तो ये बहुत सारे लोगों ने जो बड़े बड़े हमारे जो सेंटर्स थे वहां पे इस्तेमाल करवाई थी, और इससे जो कोविड 19 का जो रिकवरी रेट था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। तो ये भी कारगर साबित है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी 36 सेंटर हैं, हर एक सेंटर पर ये जो मेडिसिन है वो वहां पर दस्तियाब है। और हम लोगों को चाहिए कि हमें इन सेंटरों की प्रॉपरली विजिट करके और वहां से ये जो दवाई है ये हमें हासिल करनी चाहिए। उसके बाद ये आ गई अमृता रिश्ता, ये भी अम्यूनो बूस्टर ही है। ये भी मतलब कोविड के दौरान ही इसने बड़ा अच्छा एक अहम रोल अदा किया था। तो जो पेशेंट को इस्तेमाल करने से उनका जो रिकवरी रेट था वो काफी हद तक इम्प्रूव हुआ था, और इससे पेशेंट जो है ठीक होके स्वस्थ होके अपने घर में वापस चले गए। तो ऐसे ही करते करते मैं आपको बताऊंगा कि सबसे जरूरी है कि हमें अपने बच्चों पे ज्यादा फोकस करना है। बच्चों के लिए ये जो मेडिसिन है अरविंदा रासा, ये भी कोविड के दौरान बच्चों को इस्तेमाल कराई गई थी, और इसमें बहुत ज्यादा इसके जो नतीजे थे बहुत ज्यादा अच्छे साबित हुए थे। तो इसलिए मैं जनरल आवाम से यही गुजारिश करूंगा कि आप जो हमारे जो सेंटर है, जैसे हमारा मंजाकोट में भी सेंटर है, वहां पे भी मेडिसिन अवेलेबल है, ककोड़ा में है, गमीर ब्राह्मणा में भी है, इवन कि यहां से हम ऊपर चले जाएंगे गुलुती में भी है। तो मतलब हमारे हर जगह ये सेंटर पर ये मेडिसिन दस्तियाब है। हम बुजुर्गों को, बच्चों को, बड़ों को चाहिए कि हमारे सेंटर्स की विजिट करें और यहाँ से ये दवाई लें। शुक्रिया। अच्छा, बाकी कमजोरी है, वीकनेस कोई दर्शन नहीं है आपको? कौसे पाना लेके जोर सुनाने जो ना वो बिल्कुल 40 साल गबर जवान आने वजह से चाहो अल्लाह छोड़ियो क्या याद रखो इसमें ब्लू वाला वो कितने का है? पी बटालियन और आयुष हेल्थ डिपार्टमेंट रजौरी की कोऑर्डिनेशन से एक बॉर्डर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी जो आयुष मेडिसिन है, पहले भी आपने किसी ने ये मेडिसिन इस्तेमाल की है? नहीं की है शायद? आपने की हुई है। तो ये जो सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि ये जो हमारा जो आयुष सेंटर है ककोड़ा में, सारी मेडिसिन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब मैं इसके थोड़े से आपको फायदे ये बता दूंगा कि जैसे ये
आयुष कुमांत है, ये काढ़ा जैसे कोविड एक बीमारी चली थी आज से एक साल पहले, तो उसमें ये बड़ी कारगर साबित हुई थी। तो ये हमारे सभी सेंटरों पर दस्तियाब है, और जिसको भी कोई खांसी हो, नजला हो, जुकाम हो, बुखार हो, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा मतलब फायदेमंद है। उसके बाद ये एक चमन प्राश आता है, चमन प्राश ये एक मतलब हमें अम्यूनो बूस्टर है, हमें ये हमारे जिस्म में अंदर ये हमें ताकत देता है। तो इसका इस्तेमाल हम बुजुर्गों को भी करवा सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं इसमें। तो उसके बाद एक हमारे पास ये आई थी आयुष 64, ये टेबलेट भी कोविड 19 के दौरान ही बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई थी। तो ये बहुत सारे लोगों ने जो बड़े बड़े हमारे जो सेंटर्स थे वहां पे इस्तेमाल करवाई थी, और इससे जो कोविड 19 का जो रिकवरी रेट था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। तो ये भी कारगर साबित है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी 36 सेंटर हैं, हर एक सेंटर पर ये जो मेडिसिन है वो वहां पर दस्तियाब है, और हम लोगों को चाहिए कि हमें इन सेंटरों की प्रॉपरली विजिट करके और वहां से ये जो दवाई है ये हमें हासिल करनी चाहिए। उसके बाद ये आ गई एक अमृता रिश्ता, ये भी अम्यूनो बूस्टर ही है, ये भी मतलब कोविड के दौरान ही इसने बड़ा अच्छा एक अहम रोल अदा किया था। तो जो पेशेंट को इस्तेमाल करने से उनका जो रिकवरी रेट था वो काफी हद तक इम्प्रूव हुआ था, और इससे पेशेंट जो है ठीक होके स्वस्थ होके अपने घर में वापस चले गए। तो ऐसे ही करते करते मैं आपको बताऊंगा कि सबसे जरूरी है कि हमें अपने बच्चों पे ज्यादा फोकस करना है। बच्चों के लिए ये जो मेडिसिन है अरविंदा रासा, ये भी कोविड के दौरान बच्चों को इस्तेमाल कराई गई थी, और इसमें बहुत ज्यादा इसके जो नतीजे थे बहुत ज्यादा अच्छे साबित हुए थे। तो इसलिए मैं जनरल आवाम से यही गुजारिश करूंगा कि आप जो हमारे जो सेंटर है, जैसे हमारा मंजाकोट में भी सेंटर है, वहां पर भी मेडिसिन अवेलेबल है, ककोड़ा में है, गमीर ब्राह्मणा में भी है, इवन कि यहां से हम ऊपर चले जाएंगे गुलुती में भी है। तो मतलब हमारे हर जगह ये सेंटर पर ये मेडिसिन दस्तियाब है। हम बुजुर्गों को, बच्चों को, बड़ों को चाहिए कि हमारे सेंटर्स की विजिट करें और यहाँ से ये दवाई लें। आप शुक्रिया जी। यहाँ के लोग बड़े खस्ता हाली में हैं, तो हम जनाब खालिद अमीन साहब जो यहाँ के SHP हैं उनके नहायत ही मशहूर हैं कि जिन्होंने ये इस किस्म के मेडिकल कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज करके दूर दराज के लोगों को मेडिसिन की सहूलतें जो है वो मुहैया की हैं। हम ये चाहते हैं कि इस किस्म के कैंप जो हैं वो ऑर्गेनाइज हुआ करें, ताकि ये जो दूर दराज के लोग हैं, लेडीज खास करके हैं और बूढ़े लोग हैं, वो अस्पतालों में दरबदार ना हों। तो हमें बड़ी खुशी हुई है, हम नहायत ही इनके शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ये सेकंड IRP वालों ने फतेहपुर जिनका कैंप है उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है और हमारी हौसला अफजाई की है। नहायत ही हम इनके मशहूर हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि ये आइंदा भी हमारा ख्याल रखा करेंगे। खास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जेडी स्कीम कड़ी है और SP साहब इस विच बहुत बड़ी मेहनत करते हैं, और अच्छे तरीके नाल जितने लोग बुजुर्ग बुढ़े या जेडे अस्पताल नहीं जा सकने उन्हें अच्छे तरीके से मेडिसिन बगैरा जेड़ा है इतना दस्तियाब हो गया। और असा मैं कहने के आइंदा ऐसे कैंप जेड़े न और दो चार जड़े पिछे पहाड़ी एरिए दूर दराज स्कूल उन्होंने विच भी लगा दें ताकि आम लोगों को जरा सा फायदा पहुंच जाए। जैसा कि मालूम है आपको, 2 महीने पहले भी मुबारकपुरा गांव से हमने ये स्टार्ट किया था। हायर फार्मेशन की डायरेक्शन पे हम टाइम टू टाइम ऐसी एक्टिविटीज जिससे आवाम और पुलिस के दरमियान जो है बॉन्डिंग और स्ट्रेंथन हो वो करते रहते हैं। ये टोटली जो है ये ऑलमोस्ट आप समझ लें जिसको कहते हैं सेल्फ हेल्प बेसिस पे ये हमारा कोऑर्डिनेशन विद आयुष डिस्ट्रिक्ट आयुष सेंटर जो रजौरी है उनके साथ कोलेबोरेशन में हम ये मेडिकल कैंप कर रहे हैं। ये वो मेडिसिन जो अभी तक हमारे आम आवाम को इसकी अफादियत का पता नहीं है, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री ऑफ कास्ट जो है हमारे डोर स्टेप तक पहुंचाने का जो एक प्रयास किया है, लेकिन लोगों के अंदर अभी अवेयरनेस नहीं है। तो हमारा ये एक उसमें एफर्ट रहा कि हम लोगों के डोर स्टेप तक जाके वो पहुंचाएं चीज़ें ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें, जिस चीज़ पे जो है अरबों रुपये इन्वेस्टमेंट हो रही है और ये गोदामों में पड़ी पड़ी ये चीज़ें ना रह जाएं। उसी कड़ी में आज हम ककोड़ा ये बॉर्डर आप सामने देख रहे हैं, बिल्कुल हम बॉर्डर के सामने खड़े हैं ककोड़ा गाँव के में टाइम टू टाइम ऐसी एक्टिविटीज जिससे आवाम और पुलिस के दरमियान जो है बॉन्डिंग और स्ट्रेंथन हो वो करते रहते हैं। ये टोटली जो है ये ऑलमोस्ट आप समझ लें जिसको कहते हैं सेल्फ हेल्प बेसिस पे ये हमारा
कोऑर्डिनेशन विद आयुष डिस्ट्रिक्ट आयुष सेंटर जो रजौरी है उनके साथ कोलेबोरेशन में हम ये मेडिकल कैंप कर रहे हैं। ये वो मेडिसिन जो अभी तक हमारे आम आवाम को इसकी अफादियत का पता नहीं है, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री ऑफ कास्ट जो है हमारे डोर स्टेप तक पहुंचाने का जो एक प्रयास किया है, लेकिन लोगों के अंदर अभी अवेयरनेस नहीं है। तो हमारा ये एक उसमें एफर्ट रहा कि हम लोगों के डोर स्टेप तक जाके वो पहुंचाएं चीज़ें ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, जिस चीज़ पे जो है अरबों रुपये इन्वेस्टमेंट हो रही है और ये गोदामों में पड़ी पड़ी ये चीज़ें ना रह जाएँ। उसी कड़ी में आज हम कोड़ा ये बॉर्डर आप सामने देख रहे हैं, बिल्कुल हम बॉर्डर के सामने खड़े हैं। तो कोड़ा गांव के में ये कैंप का इनका किया था आयुष के साथ मिलके, जिसमें पब्लिक रिस्पांस बहुत पॉजिटिव और इंकरेजिंग है। और मैं होप करता हूं कि मैं जैसे आप देख रहे हैं बुजुर्ग यहां पे लेडीज़ हैं, ये यहां के मेरे बुजुर्ग गांव के जो हैं मर्द हजरात मेरे साथ आप देख रहे हैं, चौकीदार साहब हैं, ये रिटायर्ड हेड मास्टर साहब हैं, ये सारे लोग यहाँ पे आज तशरीफ लाए हैं और हमें इनकी खिदमत का किसी न किसी शक्ल के अंदर मौका मिल रहा है। और हम अपनी खुशकिस्मती समझते हैं कि हम आवाम के काम किसी न किसी तरीके से आज जाएं, हम ये ना भी करें उससे शायद हमें कोई उतना बड़ा वो नहीं पूछने वाला नहीं है या ये नहीं होगा आपने क्यों नहीं किया, लेकिन हम अगर हैं महकमे के अंदर, हम किसी जगह पोजिशन में हैं तो हमें डिलीवर करना चाहिए, पब्लिक की खिदमत करनी चाहिए और इस जज्बे का पैगाम जो है वो आगे लोगों तक भी जाना चाहिए कि आप जहां हैं अपनी उस पोजीशन को यूज़ करते हुए आप लोगों के काम आए। इंसानियत इसी का नाम है कि हम एक दूसरे के काम आते रहें, लोगों के साथ अपने ताल्लुकात जाके मेल मिलाप और बढ़ा सकें ताकि अल्टीमेट जो हमारा एम है कि पुरअमन माशरा उसका इनकाद उसका क्याम करना उसमें हम कामयाब हो सके। और मैं लोगों से अपील करता हूँ यहाँ सबसे कि जहाँ कहीं भी हम ऐसे कैंप्स रखें उसमें वो बड़ी तादाद में आए, आप से कुछ नहीं कोई मांगेगा, कोई पैसा आपका खर्च नहीं होना है, हम फ्री ऑफ कास्ट जो है डॉक्टर्स हैं मेडिसिन हैं उसमें सारे चीज़ें हमारी तरफ से होंगी, आपका सिर्फ पार्टिसिपेशन है, आपने आना है और ये चीज़ें घर लेके जाना है और इनको इस्तेमाल भी करना है, इनको जाके अंदर ड्रार में नहीं डाल देना है, ये बहुत काम की चीज़ें आप इन्हें इस्तेमाल करें। और अगर और की इन चीज़ों की ज़रूरत है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हम फिर दोबारा यहाँ आएंगे, फिर पड़ोस के जो